अब बात बेअदबी की इसकी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना को 88 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एसआईटी के गठन को भी 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। पंजाब सरकार ने कहा था कि एसआईटी 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच बेअदबी केस में हत्या के बाद आज आरोपी का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस के पास उस शख्स की कोई जानकारी अब तक नहीं है। एक दोष ने सचखंड श्री दरबार साहब अंदर आके बेअदबी करने की कोशिश की थी। एक ऐसा हादसा होया जिसे सिख पंथ मुझे दा बहुत ज्यादा दुख है। मैनू लगता नहीं किसी जिंदगी विच कि दरबार साहब के अंदर ऐजा किसी की हिम्मत हुई ऐजा दुष्ट काम करने की। कल्ली इंदिरा गांधी के हुक्म से उदों टैंकां तोपां नाल दरबार साहब से हमला होया, पर बड़ा अफसोस मैनू एक गल का लगता है कि इस हादसे तो चार दिन पहले दरबार साहब के पवित्र सरोवर विच गुड़का साहब नूं फाड़ के उत्ते सिट्टे गए सी। पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया ते चार दिन बाद आ हादसा हो गया। भाई बेअदबी, मैनूं सोच के देखो, चाहे कुरान शरीफ की होवे, चाहे भगत गीता जी की होवे, चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब जी की होवे, चाहे वह किसी चर्च के विच होवे, परमात्मा अगर एक है तो फिर भाई सब तो वड्डी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की सजा है ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰਚ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਪਰ।